व्यूल टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्रोम को कैसे अच्छा कर सकते हैं कि वो स्मूथ वर्क करे, और फास्ट कोई भी प्रोग्राम ओपन करना हो तो कैसे फास्ट वर्क करे। इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल क्रोम ओपन करना होगा, और फिर गूगल क्रोम की सेटिंग में जाना होगा जो कि यहाँ पे है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर सो एडवांस सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पे ये जितने भी चेक हैं, मार्क चेक हैं, वहाँ पे सबसे पहला वाला अनचेक कर देंगे, और ये भी अनचेक कर देंगे, और ये प्रीफेच रिजॉर्स टू लोड पेज मोर क्विकली, इसको अनचेक नहीं करना है। और ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट डिटेल्स पॉसिबल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू गूगल, इनको भी अनचेक कर देना है। और ये प्रोटेक्ट यू एंड योर डिवाइस फ्रॉम डेंजरस साइट्स, इसको अनचेक नहीं करना है। यूज अ वेब सर्विस टू हेल्प रिजॉल्विंग स्पेलिंग एरर्स, इसको अनचेक कर देना है, और इसको भी अनचेक कर देना है। उसके बाद सबसे और नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे ये जो चेंज प्रॉक्सी सेटिंग करके होगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लैन सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग नाम का जो मार्क आइकन बना हुआ है, इसको अगर चेक बॉक्स इसमें है तो फिर अनचेक कर देंगे, और अगर अनचेक ऑलरेडी है पहले से तो उसको अनचेक ही रहने देंगे, और उसके बाद ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन टाइप कर देंगे। उसके बाद ये एक्सटेंशन को ओपन कर देंगे, और उसके बाद ये जो जितने इसमें जो यूजफुल हो उनको छोड़ देंगे, और जो यूजफुल नहीं होंगे उनको अनचेक कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोटो जूम फॉर फेसबुक, ये इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और ऐसे ही जो आपके लिए विदाउट यूज वाले हों उनको हटा दीजिएगा, और जो यूज में हो उनको रहने दीजिएगा। तो ये हिस्टोरी इरेजर इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद वेस्ट नो टाइम करके जो है इसको रिमूव कर देंगे। और हो सकता है कि आपके उस गूगल क्रोम में अदर डिफरेंट प्रकार के एक्सटेंशन हो, तो उनको अपने हिसाब से आप जो यूजफुल हो उनको रहने दीजिएगा, जो अनयूजफुल है उनको रिमूव कर देना। तो ये उसके बाद ये जो चिकर्स प्लस फॉर जीमेल, इनको रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये एक्सटेंशन हटा के यहाँ पे जो प्लगइन्स नाम का होगा उसको ओपन कर लेंगे, और प्लगइन्स में ये जितने भी प्लगइन्स इनेबल होंगे इनको डिसेबल कर देंगे। उसके बाद इस टैब को क्लोज कर देंगे, और फिर गूगल क्रोम को क्लोज करके फिर गूगल क्रोम ओपन करेंगे। फिर उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे, और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा होगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप करना चाहें पास्ट आवर्स की, या पास्ट डे की, या पास्ट वीक की, बट मैं यहाँ पे दी बिगनिंग ऑफ टाइम पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डाटा कर देंगे। और उसके बाद ये आपकी जो टोटल हिस्ट्री होगी उसको ये डिलीट कर देगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो ये फास्ट वर्क कर रहा है कंपेयरिंग टू पहले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।